हेलो, तो डब्बे के अंदर नर्क 2022 बहुत ही ज्यादा पास आ गया है। मतलब इतना पास कि कल सुबह मैं इस टाइम पर हेल इन ए सेल के मेन इवेंट का रिव्यू कर रहा हूँ। तो यस एग्जैक्टली, बस एक दिन रह गया अब हेल इन ए सेल के लिए। एंड इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों ने पूछा है। तो इस वीडियो का टॉपिक विक्रमजीत मल, शिल्पा सिंह, अहमद, विवेक दास, सौरजीत एंड बीस्ट नू वाईटी की तरफ से आया है। एंड इन सबका सिमिलर कॉमेंट नहीं है, सेम कॉमेंट है एग्जैक्ट डिटो। ब्रो, हेल इन ए सेल में कौन से इवेंट्स रिटर्न कौन कौन से देखने को मिल सकते हैं, एग्जैक्टली यही चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और सिर्फ रिटर्न्स नहीं, कुछ शॉक्स एंड सरप्राइजेस भी सामने आए, वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, इंट्रो के बाद। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। ऑल सेट टू रेसल फैन, माय नेम इज सर एंड विद दिस वीडियो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो यार, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो सारे रूमर सामने आए हेल इन ए सेल के लिए, यानी कि पॉसिबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। बाकी मुझे कितनी पॉसिबिलिटी लगती है इन सारी चीजों की होने की, वो तो मैं आपको बता ही दूंगा साथ साथ। पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं जो शॉकिंग सरप्राइजिंग चीज हमें देखने को मिल सकती है हेल इन ए सेल में, और ये आ सकती है इस वाले मैच से, क्योंकि इस मैच के लिए रूमर कुछ ऐसा सामने आ रहा है। इस मैच के एंड होने तक एज की टीम को एक नया मेंबर ज्वाइन करेगा। वो नया मेंबर कोई भी हो सकता है, क्या पता वो टोमासो शैंपा हो, क्या पता पेज हो, क्या पता कोरी ग्रेव्स, क्या पता जो बाइडेन हो, या क्या पता पुराने वाले एज हो, मतलब वो कोई भी हो सकता है। बट मेन बात ये कि कोई ना कोई सुपरस्टार जरूर ज्वाइन करने वाला है एज की फैक्शन को इस इवेंट में। एंड यार, मुझे इस चीज के होने की पॉसिबिलिटी लगती है वुपिंग 80%। और मैं आपको साथ साथ ये भी बता देता हूँ कि पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सुपरस्टार फिन बैलर ही होने वाले हैं, और वही अपनी टीम को धोखा देंगे और एज को ज्वाइन कर लेंगे। और अगर ऐसा हो जाता तो मुझे बहुत ही खुशी होगी, क्योंकि यार फिन बैलर का WWE ने बेड़ा कर करके रखा हुआ है। अगर एज के साथ ज्वाइन होंगे तो उनका भी भला हो जाएगा थोड़ा सा। एंड अब आ जाते हैं हम रिटर्न्स पे। क्या तीन रिटर्न्स रूमर हेल इन ए सेल में होने के लिए। नंबर 3 में आपको बताता हूं जो कि रिटर्निंग रूमर सामने आ रहा है, द बीस्ट ब्रॉक लेसनर का। और यार, रूमर कुछ ऐसा है कि ब्रॉक लेसनर सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स के मैच में इंटरफेयर करेंगे और वो अटैक करेंगे कोडी रोड्स को, और इस तरह फिर WWE कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर की फ्यूड चला देगी। एंड यार, पर्सनली मुझे इस चीज के होने की पॉसिबिलिटी लग रही है सिर्फ 10%। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए यार क्योंकि पहले तो मुझे लग नहीं रहा कि ब्रॉक लेसनर इस इवेंट में अपना रिटर्न करेंगे, और दूसरी बात यार कोडी रोड्स के साथ क्यों, मतलब उनसे तो कोई लेना देना ही नहीं ब्रॉक का। हाँ, एक बार को अगर ऐसा रूमर होता कि बॉबी लैशले को वो अटैक करेंगे, क्योंकि बॉबी लैशले के साथ फिर भी हिस्ट्री रही है ब्रॉक की, और आने वाला इवेंट मनी इन द बैंक है, फिर समर स्लैम है, तो WWE इन दोनों का मैच सेटअप कर भी सकती है। कोडी रोड्स कैसे, मतलब कुछ भी। नेक्स्ट रिटर्निंग रूमर की तरफ मैं चलता हूं, जो कि आ रहा है AEW डायनामाइट पे आग लगाने वाले अपने प्रोमो से, नन अदर देन MJF। लोग उन्होंने अभी AEW में कहा, वो भी डायरेक्टली टोनी खान को, कि मुझे इस कंपनी से निकाल दो, मुझे यहां नहीं रहना है, तो बस सारे पैसे बचा कर रखो उन सुपरस्टार्स के लिए जो तुम नए-नए WWE से साइन करके ला रहे हो। यार क्या प्रोमो कट किया है उन्होंने। अब लोग, मैं उसे सीएम पंक के पाइप बॉम्ब से कंपेयर नहीं करना चाहता, मेरे लिए पर्सनली सीएम पंक का पाइप बॉम्ब हमेशा फर्स्ट पर ही रहेगा, बट आप सबके अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं। सॉरी, मैं रास्ते से भटक गया, मेन बात कर रहे थे हम कि हमें इनका रिटर्न देखने को मिल सकता है WWE में। अब आपको होगी कि यार रिटर्न कैसे, पहले तो थे ही नहीं WWE में। यार थे WWE में, हां एज अ सुपरस्टार नहीं थे, लेकिन थे, लेकिन अब एज अ सुपरस्टार हमें देखने को मिल सकता है। बट यार, मुझे पर्सनली MJF के WWE में इतनी जल्दी आ जाने की पॉसिबिलिटी जो लग रही है 10% ओनली, और वो इसलिए क्योंकि इतनी जल्दी चीजें सेटल नहीं होती है। अगर मान के चलो कि MJF का जो प्रोमो था वो वर्क नहीं था, तो फिर भी टोनी खान एकदम से तो रिलीज कर नहीं देंगे MJF को, टाइम लगता है उन सारी चीजों में, तो अभी तो नहीं देखने को मिलने वाला। चलो ना, फाइनली कमिंग टू द लास्ट रिटर्निंग रूमर, जिसका आई नो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। रूमर्ड है कि हमें देखने को मिल सकता है नन अदर देन द फिंड ब्रे वायट का। मैंने ये कहा था कि अगर सीक्रेटली बातें चल रही है उनकी बैक स्टेज अपने फ्यूचर प्लान्स के लिए किसी भी कंपनी के साथ, तो हमें उनका रिटर्न देखने को मिल भी सकता है इस साल में। एंड अब तो ब्रे वायट ने खुद अपना रिटर्न टीज किया ट्विटर पे, लेकिन कब होगा वो किसी को पता नहीं है। लेकिन उन्होंने जिस तरह ट्वीट किया था, लग रहा था कि वो बहुत जल्दी रिटर्न करने वाले हैं, तो हो सकता है कि हेल इन अ सेल वो इवेंट हो जहां पर हमें ये चीज देखने को मिलेगी। कोई नहीं जानता कौन से मैच में, कौन से सेगमेंट में, लेकिन शायद ये रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है। एंड इस रिटर्निंग रूमर की पॉसिबिलिटी की मैं बात करूं, तो वो मुझे लग रही है 50%, ना ज्यादा ना कम, बीच में बिल्कुल। चलो यार, यही थे वो सारे रूमर्स विद रिटर्निंग रूमर्स फॉर हेल इन अ सेल 2022। देखते हैं इनमें से कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, वो तो हमें कल पता लग ही जाएगा। आप अपनी पॉसिबिलिटी जरूर बताना इन सारे रूमर्स के बारे में कि आपको कितनी लग रही है। एंड जस्ट एज ऑलवेज, अभी दो वीडियोस आपके सामने आ रही होंगी हेल इन ए सेल का डेट एंड टाइम जानने के लिए, ऊपर वाली वीडियो पे क्लिक करना, और हेल इन ए सेल की प्रेडिक्शन और बेटिंग ऑड्स जानने के लिए नीचे वाली वीडियो पे। एंड अब मैं आपसे मिलूंगा कल सुबह सारे मैचेस के फ्रेश एंड फाइनल बेटिंग ऑड्स और रिव्यूज के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय लॉगिंग आउट।